Now we are content with the commerce. Commerce meaning is given. Commerce means trade and auxiliary services to trade. Trade का मतलब आगे बताया था goods and services in exchange of goods and services or money. तो यहाँ पर exchange होना जरूरी है और profit होना भी जरूरी है. दो parties होती है seller and purchaser. तो ये कहलाता है trade. और यहाँ पर कॉमर्स इज अ वाइडर मीनिंग, ये लिमिटेड नहीं है. यहाँ पर ट्रेड जो होता है वो भी इंक्लूड करता है और कॉमर्स इंक्लूड करता है. कॉमर्स के अंदर ऑक्सिलरी सर्विसेज आते हैं, मीन्स हेल्पफुल टू ट्रेड, जैसे कि बैंक है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है. उसके बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं होता है. एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुँचाना रहता है, पर वो ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ही पहुँचता है. ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग टाइप के होते हैं, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज. तो ये जो है वो एक्सिलरी सर्विसेज है ट्रांसपोर्टेशन. फिर है इंश्योरेंस. रिस्क रहता है सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, तो उसके लिए इंश्योरेंस उतरवाते हैं. पर सपोज सामने वाले पार्टीज को भेज दिया है सामान और सामने वाले पार्टी जो है वो रिसीव करने नहीं आई, तो कहाँ पर वो रहेगा सामान? जस्ट लाइक अ गोडाउन. तो गोडाउन में टेम्पररी वो शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ से वो रेंट भी ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि शिप को तो अनलोड करना ही पड़ेगा. तो इसीलिए ये सारे ऑक्सिलरी सर्विसेज हैं टू ट्रेड, तो दैट आर कॉल्ड द कॉमर्स. यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं कॉमर्स के. ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का ही पार्ट है ट्रेड, तो इसीलिए कॉमर्स हुआ वाइडर मीनिंग. देन इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें बेनिफिट होना चाहिए, तो हर एक बेनिफिशियल पर्पज के लिए जो भी एक्टिविटी होती है दैट इज इंक्लूडेड इन द कॉमर्स. Then auxiliary services are included. Auxiliary services का मतलब मैंने बताया था कि helpful for trade. तो जैसे कि bank है, suppose यहाँ से पैसा जो है वो सामने वाली party को भेजना है, hand to hand नहीं possible है क्योंकि हमारे country की currency अलग होती है, सामने वाले country की currency अलग होती है. हमारे इंडिया की रुपी है, suppose अमेरिका में डॉलर है. वैसे international trade करते हैं तब auxiliary services में exchange of money through bank ही possible होता है. So that is also a possible. The transportation and go down and so many facilities are called auxiliary services that are included. Increased time and place utility. Time utility means जहाँ पर जो ज़रूरत है वहाँ पर वो time पर पहुँचा. That is called the time utility. And the place utility, वो market में place करवाने का means available to get it the product. So that is a time utility and a place utility. That are two very important. हमने ये aspect आगे भी पढ़ चुके हैं. Then auxiliary services are demand oriented. जब जब ज़रूरत पड़ती है तभी वो create करते हैं, तभी वो provide करनी रहती है. Yet continuous. तो auxiliary services are also continuous. Suppose trade करना कोई बंद कर देता है तो उससे auxiliary service पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. जैसे dockyard जो होता है शिपिंग कंपनीज के जो भी यहाँ पर पार्क होते हैं वहाँ पर डॉकयार्ड्स होते हैं, रेलवेज होते हैं वहाँ पर भी गोडाउन होते हैं. तो वो जो गोडाउन है वो बंद नहीं कर देंगे, वो ट्रेड नहीं करते हैं, दूसरे पर्सन को ट्रेड करते हैं. तो दैट ऑक्सिलरी सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो है वो कंटिन्यूसली दे आर प्रोवाइडिंग. बैंक जो है तो थोड़े पर्सन जो ट्रेड नहीं करते तो उसकी वजह से बैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दैट इज कंटिन्यूइंग. तो वैसे ही जो ऑक्सिलरी सर्विसेज है जो हेल्पफुल होते हैं ट्रेड के लिए वो सारे कंटिन्यूस ही रहते हैं. सर्विसेज आर अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस. जो ऑक्सिलरी सर्विसेज है दैट आर एट द रीजनेबल प्राइस. जो अगर रीजनेबल प्राइस पर होगा तभी वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रीजनेबल होगा, तभी जो कस्टमर तक पहुंचेगा. गुड्स कैन बी सप्लाइड एट फेयर प्राइस टू द कस्टमर्स. कस्टमर को फेयर प्राइस पर ही पड़ेगा, महंगा नहीं पड़ेगा. नहीं तो बाहर से सामान मंगवाते तो महंगा पड़ता है, तो फिर वहाँ से महंगा मंगवाएंगे नहीं. सो दैट आर अबाउट द कॉमर्स, दैट इज अ वाइडर मीनिंग. अब यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं ट्रेड और कॉमर्स का डिफरेंस. यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी. यहाँ पर मनी मेजरमेंट दिया गया है ट्रेड को. और कॉमर्स इंक्लूड द ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड, मीन्स हेल्पफुल जो होता है ट्रेड करने के लिए जो हेल्पफुल सर्विसेज है दैट आर ऑल्सो इंक्लूडेड. तो इसलिए इसको वाइडर मीनिंग कहा गया है. स्कोप ऑफ ट्रेड इज लिमिटेड. ये जो है वो लिमिटेड ही है, सिर्फ एक्सचेंज सामान का आदान प्रदान करना वही हुआ जो आगे हमने बताया था. इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट, तो ये सारे ट्रेड है.
और कॉमर्स इट इज द वाइडर स्कोप, क्योंकि इसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट के अलावा भी ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड आता है, दैट इज बैंक, इंश्योरेंस, गोडाउन, ट्रांसपोर्टेशन, दैट ऑल आर इंक्लूडेड व्हिच आर सपोर्टिंग टू ट्रेड, जिसके बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको वाइडर स्कोप कहा गया है. देन बोथ पार्टीज आर नोन टू ईच अदर, तो यहाँ पर दो पार्टीज अराइज होती है, हमने ट्रेड में देखा था जैसे कि सेलर एंड परचेजर, तो यहाँ पर दो पार्टीज एक दूसरे को जानती पहचानती है. और कॉमर्स, कॉमर्स जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड अगर होता है तो दोनों पार्टी मे पॉसिबल कि एक दूसरे को ना जानती हो, तो यहाँ पर है बोथ पार्टीज मे बी एट ए डिस्टेंस प्लेस एंड अननोन, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों पार्टीज है एक दूसरे को ना जाने, एक कंट्री में है दूसरी कंट्री में दूसरा पर्सन है सेलर परचेजर, सो फार डिस्टेंस पर एक दूसरे को ना जानते हुए भी बिजनेस कर सकते हैं, सो दैट इज अ वाइडर स्कोप ऑफ द कॉमर्स, सो दैट आर द डिफरेंस. नेक्स्ट सेशन वी हैव टू कंटिन्यू, टिल दैट थैंक यू.